एनकेबी न्यूज के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास चुनिंदा खबरें। तुलजापुर तालुका के कदमवाड़ी गांव के 50 से 55 वारकरी एकादशी के अवसर पर पंढरपुर जा रहे थे। सोलापुर में भीषण सड़क दुर्घटना में इनमें से 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं महामुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने कौवों को उड़ाने के लिए 44 लाख रुपए खर्च करने की योजना बनाई है। इसी बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने नीलेश राणे और नितेश राणे का नाम न लेते हुए कहा कि कल के आए हुए लड़के राकांपा सुप्रीमो शरद पवार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। क्या ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी को मंजूर है? तो फोन टैपिंग मामले में मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस का बयान दर्ज किया है। इसी बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने संकेत दिए हैं कि विधानसभा में सोमवार अथवा मंगलवार को दूसरा वीडियो क्लिप बम फोड़ा जा सकता है। सोलापुर में भीषण सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जानकारी के अनुसार तुलजापुर तालुका के कदमवाड़ी गांव के 50 से 55 वारकरी एकादशी के अवसर पर पंढरपुर जा रहे थे। जैसे ही उनका ट्रैक्टर ट्रॉली मसाला के पास पहुंचा, सामने से आ रहे मालवाहक ट्रक ने ट्रॉली को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि टक्कर के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली करीब 600 फीट मुड़ गई। हादसे के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया गया। घायलों को पास के अस्पताल ले जाया गया। 35 से 40 घायलों का इलाज चल रहा है। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। कई घायलों की स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है। हादसे की चपेट में आए सभी लोग तुलजापुर तालुका के कदमवाड़ी के रहने वाले हैं। सोलापुर SP तेजस्विनी सातपुते ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा है कि हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि 6 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे को लेकर पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। हताहतों के परिजनों को सूचना दे दी गई है। आपात सेवा के लिए केंद्र बनाकर कुछ कर्मियों को वहां रखा गया है। अस्पताल प्रशासन से पल पल की जानकारी ली जा रही है। मेट्रो प्रशासन कौवों से परेशान है। मेट्रो ट्रेन के परिचालन में इनके चलते व्यवधान आने की आशंका को भांप कर एहतियाती कदम उठाया जा रहा है। इस तैयारी के तहत महामुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने कौवों को उड़ाने के लिए 44 लाख रुपए खर्च करने की योजना बनाई है। योजना के पहले चरण में ये सुनिश्चित किया जाएगा कि मेट्रो मार्ग पर लगे पोल पर कौवे घोंसला न बना पाए। इसके लिए पोल के करीब एंटी बर्ड डिस व एंटी बर्ड नेस्टिंग PVC नेट लगाने का निर्णय लिया गया है। MMM OCL के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक पक्षियों की वजह से रेलवे के रूट पर बिजली आपूर्ति बाधित होने के कई मामले सामने आ चुके हैं। विशेष तौर पर कौवों की वजह से मेट्रो सेवा बाधित नहीं हो, इसके लिए जाली लगाई जाएगी। दूसरे चरण में खास स्थानों को चिन्हित किया जाएगा जहां कौवों का बसेरा ज्यादा है, और ये देखा जाएगा कि उनके यहाँ रहने का कारण क्या है। आमतौर पर मांस भक्षण के लिए कौवे मंडराते हैं। बता दें कि मेट्रो 7 और मेट्रो 2A कॉरिडोर के 20 किलोमीटर मार्ग पर मेट्रो का ट्रायल रन चल रहा है। मार्ग का 60% हिस्सा टेस्ट में पास हो गया है। 40% मार्ग की अंतिम जांच के लिए CRS की टीम जल्द ही मुंबई पहुंच सकती है। MMRDA मार्च के अंत तक मेट्रो सेवा आम जनता के लिए शुरू हो सकती है। शिवसेना के सांसद और वरिष्ठ नेता संजय राउत ने नीलेश राणे और नितेश राणे का नाम न लेते हुए उन पर निशाना साधा है। राउत ने कहा कि शरद पवार को टारगेट किया जा रहा है। कल के आए हुए लड़के उन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। क्या ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी को मंजूर है? क्या इस तरह के आरोप का वे समर्थन करते हैं? इस बारे में BJP को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। शरद पवार देश और महाविकास आघाड़ी के नेता है। 4 राज्यों में मिली जीत के नशे में BJP नेताओं को उम्मीद नहीं खोना चाहिए। चुनाव में हार जीत होती रहती है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के दोनों बेटों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। मुंबई के आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में नितेश राणे और नीलेश राणे पर केस हुआ है। NCP नेता सूरज चौहान की शिकायत पर यह मामला दर्ज हुआ है। उन्होंने NCP प्रमुख शरद पवार का नाम दाऊद इब्राहिम से जोड़ने को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। FIR दर्ज होने के बाद नितेश राणे ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में सच्चाई बोलना गुनाह हो गया है। नितेश राणे ने कहा कि देवेंद्र जी ने इतने सबूत दिए, फिर भी इन्होंने नवाब मलिक को इस्तीफा नहीं दिलवाया, तो इससे अच्छा सभी मंत्रियों को अपने कैबिन में गांधी जी की फोटो निकालकर दाऊद की फोटो लगा लेनी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जो बात करने वाले लोग हैं, उनकी अवध सरकार दबाने की कोशिश कर रही है। फोन टैपिंग मामले में मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस का बयान दर्ज किया। दक्षिण मुंबई के मलबार हिल्स इलाके में स्थित फडणवीस के सरकारी आवास सागर पर NCP नितिन जाधव
और पुलिस निरीक्षकों ने करीब दो घंटे तक फडणवीस से पूछताछ की। बता दें कि रश्मि शुक्ला से जुड़े फोन टैपिंग मामले की जांच कर रही मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने इससे पहले नोटिस भेजकर फडणवीस को बयान दर्ज कराने साइबर पुलिस स्टेशन में बुलाया था, लेकिन बाद में उन्हें कहा गया कि पुलिस बयान दर्ज करने उनके घर आएगी। मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने 5 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अवैध रूप से फोन टैप करने और गोपनीय दस्तावेज लीक करने के मामले में ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, आईटी एक्ट और आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। खुफिया विभाग की शिकायत के आधार पर ये एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर दर्ज होने से पहले राज्य के तत्कालीन मुख्य सचिव रहे सीताराम कुंटे ने अपनी रिपोर्ट में आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला पर गोपनीय दस्तावेज लीक करने का आरोप लगाया था। शुक्ला पर खुफिया विभाग के प्रमुख रहते नाना पटोले, आशीष देशमुख, बच्चू कड़ू, संजय काकड़े समेत कई नेताओं के फोन टैप करने का आरोप है। बयान दर्ज कराने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें पहले जिन सवालों की सूची भेजी थी उससे अलग सवाल पूछे गए। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने संकेत दिए हैं कि विधानसभा में सोमवार अथवा मंगलवार को दूसरा वीडियो क्लिप बम फोड़ा जा सकता है। ये वीडियो क्लिप बम काफी तगड़ा होगा। पाटिल ने कहा कि भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने मुझे बताया है कि वे सदन में एक और बम फोड़ेंगे। 8 मार्च को सदन में सरकारी वकील चौहान के वीडियो क्लिप का उन्होंने खुलासा किया था, जिसमें पुलिस के साथ मिलकर विपक्ष के नेताओं को फंसाने की सरकार की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। इसके मद्देनजर अब सरकार विपक्ष को डराने की कोशिश कर रही है, इसीलिए मुंबई पुलिस की साइबर सेल की ओर से फडणवीस को नोटिस भेजा गया है, लेकिन हम डरने वालों में से नहीं है। इसी बीच गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि मामले में फडणवीस को समन नहीं जारी किया गया है बल्कि नोटिस दिया गया है। उन्हें पहले 6 बार नोटिस दिया जा चुका है, लेकिन वे बयान दर्ज कराने नहीं पहुंचे, जिसके चलते जांच 1 साल से रुकी हुई थी। एक बार उन्होंने पुलिस को जल्द जवाब भेजने की बात कही थी, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया था, इसलिए पुलिस ने उनके घर जाकर उनका बयान दर्ज करने का फैसला किया। इस मामले में हंगामा करने जैसा कुछ भी नहीं है। उस पेन ड्राइव में जो है उसकी जांच सीबीआई कर रही है, लेकिन गोपनीय जानकारी खुफिया विभाग से बाहर कैसे गई इसकी छानबीन मुंबई पुलिस कर रही है। प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जमात उज मुजाहिदीन बांग्लादेश के 4 कथित जिहादियों से पूछताछ में पता चला है कि वे युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहे थे। वहीं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा कि पिता की मौत होने पर अवैध संतान को भी अनुकंपा नौकरी दी जा सकती है। तो गोवा में मुख्यमंत्री कौन होगा ये अभी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन कहा जा रहा है कि राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई नवनिर्वाचित विधायकों को 15 मार्च को शपथ ग्रहण करवाएंगे। इसी बीच आयकर विभाग आज सुबह से ही रियल एस्टेट डेवलपर ओमेक्स ग्रुप के दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब समेत देश भर में करीब 45 ठिकानों पर छापेमारी कर रहा है। उधर संसद के बजट सत्र दूसरे चरण के पहले दिन लोकसभा में मोदी मोदी के नारे लगे। मोदी ने जैसे ही सदन में एंट्री ली तो भाजपा सांसदों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। देश की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जमात उज मुजाहिदीन बांग्लादेश के 4 कथित जिहादियों को रविवार को भोपाल में 2 जगहों से एटीएस और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने एक अभियान के दौरान गिरफ्तार किया है। पिछले 2 महीनों से ये भोपाल में थे। इन्हें एशबाग और करौंद इलाके से गिरफ्तार किया है। जेएमबी से जुड़े ये लोग भोपाल में बैठकर युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहे थे। खुफिया एजेंसी के अनुसार ये आसपास के मस्जिदों में जाते थे और युवाओं को इसके लिए तैयार करते थे। सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि यहाँ स्नीपर सेल तैयार कर ये किसी बड़े प्लानिंग की तैयारी में लगे थे। उससे पहले ही इनके मॉड्यूल को ध्वस्त कर दिया गया है। एटीएस के अनुसार चारों घोर कट्टरपंथी है और भोपाल के आसपास के दूरस्थ ठिकानों में स्नीपर सेल विकसित करने के मिशन पर थे। मध्य प्रदेश में पहली बार जेएमबी से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आईएसआईएस से जुड़े इस संगठन का 2016 में ढाका में हुए आतंकी हमले के पीछे भी हाथ था। उस हमले में 29 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें से 17 विदेशी थे। गिरफ्तार लोगों में फजर अली, मोहम्मद अकील, जहूरुद्दीन और फजर जैनुल है। इनके पास से भारी मात्रा में जिहादी साहित्य, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार 2014 में पश्चिम बंगाल के वर्धमान और बिहार के बोधगया में भी इन लोगों ने बम ब्लास्ट किया था। भारत सरकार ने इस संगठन को 5 साल के लिए प्रतिबंध किया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पिता की मौत होने पर अवैध संतान को भी अनुकंपा नौकरी दी जा सकती है। पीयूष कुमार अंचल की याचिका पर जस्टिस संजय कुमार अग्रवाल की पीठ ने छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन से अनुकंपा नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन पर विचार करने का निर्देश दिया है। दरअसल कॉरपोरेशन ने अंचल के आवेदन को यह कहकर खारिज कर दिया था कि वह वैध उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर सके। याचिका के मुताबिक वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन की प्रतापपुर ब्रांच में मोहनलाल अंचल जूनियर असिस्टेंट के पद पर कार्यरत थे।
कोरोना संक्रमण से उनकी मौत हो गई। याचिकाकर्ता पीयूष अंचल ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने कहा कि वह मोहन की दूसरी पत्नी के बेटे है और इसलिए उन्होंने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया है। इस बीच मोहन की पहली पत्नी का बेटा होने का दावा करने वाले सुरेश कुमार अंचल ने भी अनुकंपा नियुक्ति के लिए दावा कर दिया। कॉर्पोरेशन ने पीयूष के दावे को यह कहकर ठुकरा दिया कि वह वैध उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जमा नहीं कर सके, लेकिन हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि मृतक कर्मचारी की संतानों को वैध और अवैध के तौर पर बांटकर और वैध संतान का ही अधिकार मानकर पॉलिसी में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। भले ही कोई अवैध संतान हो, लेकिन अगर वह मृतक सरकारी कर्मचारी का बेटा है तो वह अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने का हकदार होगा। गोवा में मुख्यमंत्री कौन होगा, यह अभी साफ नहीं हो पाया है। इस बीच गोवा के राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई नवनिर्वाचित विधायकों को 15 मार्च को शपथ ग्रहण करवाएंगे। इसके लिए विधानसभा का सत्र बुलाया गया है। नवनिर्वाचित विधायक गणेश गांवकर को 14 मार्च को राज्यपाल राजभवन में प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ दिलाएंगे। इसके बाद गांवकर अन्य विधायकों के लिए शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करेंगे। सूत्रों ने कहा कि बीजेपी के 3 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन देने का वादा किया है। कहा जा रहा है कि गोवा चुनाव में बीजेपी की जीत जरूर हो गई है, लेकिन अंदरूनी कलह भी साफ देखने को मिल रही है। कई सीएम कैंडिडेट दिखाई पड़ रहे हैं, हर किसी के अपने दावे हो रहे हैं, लेकिन फैसला कोई नहीं लिया गया है। गोवा के निवर्तमान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा है कि पार्टी नेतृत्व ने अभी नहीं बताया है कि किन्हें पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया है और वह कब गोवा आएंगे और विधायकों से मुलाकात करेंगे। दूसरी ओर बीजेपी नेता और विधायक विश्वजीत राणे ने चुनाव परिणाम के बाद राज्यपाल से मुलाकात करके राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। माना जा रहा है कि सावंत की जगह राणे मुख्यमंत्री पद का चेहरा हो सकते हैं। हालांकि राणे ने इस मुलाकात को बेहद निजी बताया है। गोवा की 40 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा ने 20 सीटें हासिल की है। आयकर विभाग आज सुबह से ही रियल एस्टेट डेवलपर ओमेक्स ग्रुप के दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब समेत देश भर में करीब 45 ठिकानों पर छापेमारी कर रहा है। ओमेक्स बिल्डर पर टैक्स चोरी का आरोप है। बताया जा रहा है कि नोएडा के सेक्टर 62 और 93 में भी छापेमारी जारी है। ये छापेमारी चंडीगढ़ आयकर विभाग द्वारा की जा रही है। देश भर में 45 स्थानों पर सुबह 7 बजे से ही छापेमारी चल रही है। नोएडा से 2 टीम दिल्ली गई है। दिल्ली में बिल्डर का घर और दफ्तर है। ओमेक्स बिल्डर पर टैक्स चोरी के साथ ही बड़ी मात्रा में नकदी लेकर फ्लैट बेचने का आरोप है। ओमेक्स ग्रुप का नेटवर्क यूपी, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में फैला है। दिल्ली एनसीआर में भी ओमेक्स के कई प्रोजेक्ट है। छापेमारी को लेकर विस्तृत जानकारी नहीं मिल पाई है। सूत्रों के अनुसार इस ग्रुप ने अपनी कई शाखाओं के माध्यम से आय से अर्जित संपत्ति का सही ब्यौरा नहीं पेश किया है। काफी दिनों से सबूतों को इकट्ठा करने के बाद विभाग ने ये कदम उठाया है। एक विभागीय अधिकारी ने बताया कि टैक्स चोरी का ये मामला काफी बड़ा हो सकता है। फिलहाल उसका आकलन किया जा रहा है। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन लोकसभा में मोदी मोदी के नारे लगे। सोमवार को सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे ही सदन में एंट्री ली, भाजपा सांसदों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। करीब 3 से 4 मिनट तक भाजपा सांसदों ने जीत का जश्न मनाया और मेज बजाते रहे। मोदी के लोकसभा में आने के समय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कैबिनेट के कई मंत्री सदन में मौजूद थे। इससे पहले भाजपा सांसदों ने संसद परिसर में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जीत की बधाई भी दी। 10 मार्च को 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के परिणाम आए थे। ये राज्य है उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर। इनमें से पंजाब के अलावा सभी 4 राज्यों में भाजपा ने जीत दर्ज की है। इस जीत के बाद गुरुवार शाम को दिल्ली भाजपा कार्यालय में जोरदार जश्न मनाया गया था। दिलचस्प बात यह है कि जब प्रधानमंत्री मोदी सदन में आए और लोकसभा सांसद मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे तो अपनी मेज थपथपाकर नारे लगा रहे थे, तो सदन में बैठे विदेशी प्रतिनिधि इसे कौतूहल से देख रहे थे। मोदी मोदी के नारों के बीच प्रधानमंत्री ने लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। प्रधानमंत्री के बैठने के बाद भी काफी देर तक सांसद मेज थपथपाते रहे। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में से 4 राज्यों में भगवा लहराकर भाजपा ने विरोधियों को चित कर दिया है। कनाडा के टोरंटो में एक सड़क हादसे में 5 भारतीय छात्रों की मौत हो गई है। 2 घायल अभी भी हॉस्पिटल में है। हादसे की खबर कनाडा में भारत के उच्चायुक्त अजय बिसारिया ने दी है। वहीं यमन की कोर्ट ने एक भारतीय महिला निमिषा प्रिया को मौत की सजा सुनाई है। राहत की गुहार के साथ अब प्रिया ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है।
तो रूस यूक्रेन जंग के बीच भारत सरकार ने यूक्रेन में मौजूद इंडियन एम्बेसी को अस्थायी रूप से पोलैंड में शिफ्ट करने का फैसला लिया है। इसी बीच अमेरिका में पिछले 2 साल में मिट्टी और भूसे के मिश्रण से घर बनाने का चलन तेजी से बढ़ा है। ये अभियान 1995 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के 3 छात्रों ने शुरू किया था। तो उधर यूक्रेन रूस युद्ध के चलते अब मैकडोनल्ड भी रूस के सभी 847 आउटलेट्स बंद करने जा रही है। दुनिया भर की 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। कनाडा के टोरंटो में शनिवार को एक सड़क हादसे में 5 भारतीय छात्रों की मौत हो गई, 2 घायल अभी हॉस्पिटल में है। हादसे की खबर कनाडा में भारत के उच्चायुक्त अजय बिसारिया ने दी। वैन और ट्रेलर के टकराने से हरप्रीत सिंह, जसपिंदर सिंह, करणपाल सिंह, मोहित चौहान और पवन कुमार की मौत हो गई। इनकी उम्र 21 से 24 साल के बीच बताई गई है। ये सभी ग्रेटर टोरंटो और मेट्रियल के हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सभी दोस्त शनिवार सुबह हाईवे 401 पर गाड़ी से बेलेविले जा रहे थे। उनकी वैन स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 4:15 बजे ट्रैक्टर ट्रेलर से टकरा गई। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और टोरंटो में कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त अजय बिसारिया ने ट्वीट में घटना के बारे में बताया और घायलों तक पहुंचने की बात कही है। एस जयशंकर ने अजय के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि कनाडा में 5 भारतीय छात्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करता हूँ, उनके परिवारों के प्रति संवेदना, घायलों के स्वस्थ होने की प्रार्थना, सभी जरूरी सहायता प्रदान करेंगे। घटना के बारे में ओटारिया पुलिस जांच कर रही है, हालांकि अभी तक किसी के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया गया है। सड़क से गाड़ियां और बॉडीज हटाने के लिए घंटों तक रास्ता बंद रहा। बता दें कि भारत से हर साल 10 लाख लोग विदेश में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। 2021 के शुरुआती 4 महीनों में 67,000 से ज्यादा भारतीय छात्रों को कनाडा में स्टडी के लिए मंजूरी मिली। यह संख्या 2020 की तुलना में 83% ज्यादा है। यमन कोर्ट ने एक भारतीय महिला को मौत की सजा सुनाई है। महिला का नाम निमिषा प्रिया है। अब प्रिया ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में प्रिया ने पीड़ित परिवार के साथ बातचीत की सुविधा देने और यमन कानून के मुताबिक खून की कीमत देकर प्रिया को मौत की सजा से बचाए जाने की मांग की। यमन कोर्ट ने प्रिया को हत्या का दोषी ठहराया है। प्रिया ने यमन को होम मिनिस्ट्री और यमन में भारतीय दूतावास से भी गुहार लगाई गई है। 7 मार्च 2022 को यमन की एक अदालत ने निमिषा की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसे 2017 में तलाल अब्दो महदी की हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी। प्रिया ने महदी पर आरोप लगाया था कि उसने प्रिया के साथ मारपीट, गाली गलौज और सेक्सुअली अब्यूज किया, उसके पासपोर्ट जब्त कर लिया और उसे नशीला इंजेक्शन लगाया। घटना 2017 की है। निमिषा प्रिया के परिवार ने मौत की सजा के खिलाफ कोर्ट ऑफ अपील का दरवाजा खटखटाया था। यमन की राजधानी सना में अदालत ने याचिका पर सुनवाई की। निमिषा प्रिया ने एक महिला होने और अपनी बुजुर्ग माँ और अपने 6 साल के बेटे पर विचार करने के आधार पर सजा को कम करने की मांग करते हुए याचिका दायर की। हालांकि मौजूदा यमनी कानून व्यवस्था के तहत निमिषा प्रिया को कोई राहत मिलने की संभावना नहीं है। अदालत ने मौत की सजा को पलटने के उसके सभी तर्कों को खारिज कर दिया है। ऐसे में प्रिया मौत की सजा से बाहर तभी आ सकती है जब उसके परिवार मौत की कीमत चुकाने को तैयार हो जाए, मृतक परिवार से माफी मांग ले। रूस यूक्रेन जंग के बीच भारत सरकार ने यूक्रेन में मौजूद इंडियन एम्बेसी को अस्थायी रूप से पोलैंड में शिफ्ट करने का फैसला लिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से में बिगड़ते हालात को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इससे पहले 1 मार्च को एम्बेसी को क्यू से हटाकर लीव में शिफ्ट किया गया था। अभी तक दूतावास यही से काम कर रहा था। इससे पहले रविवार को यूक्रेन रूस जंग के हालात देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की थी। इसमें भारत की सुरक्षा तैयारियों को लेकर समीक्षा की गई, साथ ही मौजूदा ग्लोबल सिनेरियो पर भी चर्चा की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने निर्देश दिए कि खार्किव में मारे गए भारतीय नवीन शेखरअप्पा के शव को लाने के लिए सभी कोशिशें की जाए। सूत्रों ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री ने डिफेंस मशीनरी में यूज हो रहे नई तकनीक के बारे में जानकारी ली। पीएम ने इस दौरान पूछा कि किन किन मशीनरी में विदेशी सामान का उपयोग हो रहा है। वही बैठक में पीएम ने निर्देश दिया कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से सभी उपकरणों को जोड़ा जाए और कोशिश की जाए कि मैक्सिमम टेक्नोलॉजी मेक इन इंडिया की हो। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल सहित विदेश और वित्त मंत्री के कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। हाई लेवल मीटिंग में तीनों सेनाओं के प्रमुख भी शामिल हुए। अमेरिका में पिछले 2 साल में मिट्टी और भूसे के मिश्रण से घर बनाने का चलन तेजी से बढ़ा है। यह अभियान 1995 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के 3 छात्रों ने शुरू किया था। इन लोगों ने डांसिंग रैबिट के नाम से एक इको विलेज बनाया था, जहां लोग खुद मिट्टी और भूसे के घर बनाकर रहते हैं।
मगर कोरोना के दौर में लोगों का ध्यान सस्टेनेबल लिविंग के इस तरीके की ओर गया। 2020 की शुरुआत में सोशल मीडिया पर ऐसे ही एक घर का वीडियो आने के बाद डांसिंग रैबिट में मिट्टी का घर बनाने की ट्रेनिंग लेने आने वालों की संख्या कई गुना बढ़ गई। इको विलेज में 38 घर है और सभी मिट्टी से बने हैं। कोरोना काल से पहले यहाँ साल में 40 से 45 लोग घर बनाना सीखने आते थे, अब 1000 से ज्यादा लोग आते हैं। डांसिंग रैबिट इको विलेज की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डेनियल विलियम्स बताती है कि जब यह विचार शुरू हुआ तो अमेरिका और दुनिया की अर्थव्यवस्था में अस्थिरता थी। 1995 में इराक कुवैत युद्ध की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में उथल पुथल मची थी। घर खरीदना बहुत ज्यादा महंगा था। उस समय स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के 3 छात्रों ने मिसूरी राज्य के रटलेज में 280 एकड़ जमीन खरीदी और इको विलेज की शुरुआत की। डेनियल बताती है कि अमेरिका के मूल निवासी रेड इंडियंस भी सदियों से मिट्टी के घरों में रहते आए थे। जब हमने रिसर्च की तो पाया कि भारत में भी ऐसे घर प्राचीन सभ्यताओं में भी मिले हैं। तब हमने घर बनाने का ये तरीका अपनाया। अब कई लोग वैकल्पिक आवासीय प्रणालियों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। यूक्रेन पर रूसी हमलों का आज 19वां दिन है। फिलहाल युद्ध थमता नजर नहीं आ रहा है। यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के प्रतिबंधों के बीच ग्लोबल कंपनियां अब रूस छोड़ने लगी है। तकरीबन 50 कंपनियां रूस छोड़ चुकी है। अब मैकडोनाल्ड भी रूस के सभी 847 आउटलेट्स बंद करने जा रही है। मैकडोनाल्ड की इस घोषणा के बाद रूस में लोगों ने उसके बर्गरों और अन्य फूड प्रोडक्ट्स का स्टॉक शुरू कर दिया है। खबरों के मुताबिक मैकडोनाल्ड के ऐलान के बाद रूस में एक बर्गर का रेट 26,000 रुपए तक पहुंच गया है। यह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह से महंगा बिक रहा है। मैकडोनाल्ड रूस में अपने आउटलेट फिर से कब खोलेगी, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। रूस में मैकडोनाल्ड आउटलेट्स में लगभग 62,000 लोग काम करते हैं। कंपनी का कहना है कि वह अपने ऑपरेशन बंद करने के बावजूद कर्मचारियों को वेतन देती रहेगी। इस बीच यूक्रेन के पश्चिमी इलाके में जबरदस्त लड़ाई चल रही है। अभी तक यह क्षेत्र सेफ हैवन बना हुआ था। रविवार को रूसी सेना ने नाटो के सदस्य देश पोलैंड के बॉर्डर से 12 मील दूर यावोरियो में एक मिलिट्री ट्रेनिंग बेस पर क्रूज मिसाइलों से हमला किया। इसमें 35 लोग मारे गए जबकि 134 घायल हुए। रूस का दावा है कि उसने इस हमले में 180 विदेशी लड़ाकों को मार गिराया है। उधर रीजनल गवर्नर का कहना है कि सदर्न पोर्ट सिटी मायकोलेव में भी रूसी एयर स्ट्राइक में 9 नागरिक मारे गए। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेवी न्यूज़। नमस्कार।